Hello, my dear students. You are watching Brain Master Spoken English. आप लोगों ने मुझसे स्टोरी सुने और आज एक बेहतरीन नावल आपके सामने लाया. नावल द होम एंड द वर्ल्ड इज रिटन बाय फेमस पर्सनालिटी आर्यन टैगोर. इट वॉज इनिशियली रिटन एंड पब्लिश इन बंगाली इन 1961. And later translated into English by Surendranath Tagore. The Bengali title of the novel is Ghare Baire. This social and political novel is based on different cultures of the society. The novel's central theme is love, the tradition of society and nationalism. अब ये नॉवेल कैसे समाज और उसके हालात को बयान करता है देखिए. ये नॉवेल का फर्स्ट चैप्टर जो है बिमला से स्टोरी है. इसमें एक बिमला जो है वो कैरेक्टर है, ये उसका स्टोरी है. फर्स्ट लिखा कैसा है ये देखो, मैं पढ़ूंगा और साथ ही साथ उसका माने बताऊंगा. मदर, टुडे देयर कम्स बैक टू माय माइंड द वर्मिलियन मार्क्स एट द पार्टिंग ऑफ योर हेयर. The sari which you used to wear with its wide red border and those wonderful eyes of yours full of depth, peace, they came at the start of my life's journey like the first streak of dawn, giving me golden provisions to carry me on my way. Is jagah dekhiye, बिमला स्टोरी है. बिमला कह रही है, मदर मेरी माँ, टुडे देयर कम्स बैक टू माय माइंड, वो आज मेरी दिमाग में आ रही है, यानी कि मुझे ख्याल में आ रही है, मेरी ख्याल में आ रही है. बैक टू माय माइंड द वर्मिलियन मार्क्स, और सिंदूर का मार्क्स यानी कि निशान उसके, एट द पार्टिंग ऑफ योर हेयर, तुम्हारे पार्टिंग यानी कि हेयर जो है मांग में दोनों तरफ हेयर है, बीच के हिस्से में लगा रहता था. द साड़ी व्हिच यू यूज्ड टू वेयर, जो साड़ी तुम पहनती थी, यूज्ड टू वेयर पहनती थी, विथ इट्स वाइड रेड बॉर्डर, उसका बॉर्डर कैसा था, रेड बॉर्डर था और वाइड था. एंड दोज वंडरफुल आईज ऑफ योर्स, तुम्हारा बहुत ही खूबसूरत, वंडरफुल आईज ऑफ योर्स, तुम्हारा खूबसूरत आंख, आंखें फुल ऑफ डेप्थ एंड पीस, जिसके अंदर में गहराई और गहराई से शांति था. दे केम एट द स्टार्ट ऑफ माई लाइफ जर्नी, ये दे केम एट द स्टार्ट ऑफ माई लाइफ जर्नी, ये शुरू करते हैं मेरे लाइफ जिंदगी का सफर, लाइक द फास्ट स्टेक ऑफ डाउन, जिस तरह सुबह का पहला किरण शुरू करता है दिन को. Give me golden provision to carry me on my way. ये मुझे golden provisions देता है, ये मुझे golden suggestion देता है, carry me on my way, मुझे अपने रास्ते पर ले जाता है. यानी कि यहाँ पर writer ये कहना चाहते हैं कि बिमला को अपनी माँ का याद आ रहा है. The sky which gives light is blue. Sky, आसमान which gives light is blue. वो ब्लू है. एंड माई मदर्स फेस वॉज डार्क, और मेरी माँ का फेस चेहरा काला था. बट सी हैड द रेडियंट ऑफ होलीनेस, लेकिन उसके अंदर में चमक था पाकिजगी का, यानी के पवित्रता का. होलीनेस, होलीनेस माने पवित्रता. एंड हर ब्यूटी वुड पुट टू शेम ऑल द वैनिटी ऑफ ब्यूटीफुल, उसका जो ब्यूटी था पुट टू शेम, शर्मनाक ऑल द वैनिटी, जितना वैनिटी प्राउड ऑफ द ब्यूटी, ब्यूटी का जितना फख्र होना चाहिए वो उतना फख्र को तोड़ता था. इसका मतलब हुआ कि माँ काली थी लेकिन देखने में बहुत ही उज्जवल तरीके से लगती थी. एवरीवन सेज दैट आई रिजेम्बल माय मदर, इन हर एक कहते हैं दैट आई रिजेम्बल माय मदर, मैं अपनी माँ की तरह दिखती हूँ. इन माय चाइल्डहुड आई यूज टू रिसेंट दिस, मैं बचपन से ये बात सुनते आ रही हूँ. इट मेड मी एंग्री, ये मुझे गुस्सा दिलाता था. क्यों, मेरी माँ काली थी. विथ माई मिरर, जब मैं मिरर के पास में खड़ी होती थी,
आई थॉट दैट इट वॉज गॉड्स अनफेयरनेस विथ मी विच वॉज रैप्ड राउंड माई लिम्स. ये भगवान का अनफेयरनेस है, ये अच्छा इंसाफ नहीं है. विच वॉज रैप्ड राउंड माई लिम्स, जो ढांक रहा था मेरे पूरे जिस्म के अजाओं को, अंग को. यहां पर रैब माने ढांकना, राउंड चारों तरफ, माई लिम्स मेरे अजाओं को, अजा माने अंग को. दैट माई डार्क फीचर्स वेयर नॉट माई ड्यू, दैट माई डार्क फीचर्स वेयर नॉट माई ड्यू. ये डार्क फीचर मेरा ड्यू नहीं था, बट हैड कम टू मी बाय सम मिसफॉर्च्यून. ये डार्क जो फीचर्स था, ये जो मेरा काला चेहरा था, ये मिसअंडरस्टैंडिंग से हुआ था. फिर उसके बाद में बोलती है, ऑल दैट रिमेन्स फॉर मी टू आस्क ऑफ माय गॉड इज रिपरेशन. और जो बचा, मैं मेरे भगवान को पूछना चाहती हूं, दैट आई माइट ग्रो अप टू बी ए मॉडल. मैं चाहती थी मैं एक आदर्श बनकर बढ़ूं. आदर्श यानी के मॉडल का यहां पर माने है आदर्श. ऑफ व्हाट वुमन शुड बी, जिस तरह वुमन होना चाहिए. एज वन रीड इट इन सम एपिक पोएम, मैं इतना आदर्श चाहती थी जैसा एपिक पोएम में पढ़ते हैं लोग. एपिक पोएम का मतलब होता महाकाव्य. व्हेन द प्रपोजल केम फॉर माय मैरिज, एन एस्ट्रोलॉजर वाज सेंट हु कंसल्टेड माई पाम एंड सेड द गर्ल हैज गुड साइन, सी विल बिकम एन आइडियल वाइफ. व्हेन द प्रपोजल केम, एक प्रस्ताव आया फॉर माई मैरिज, मेरे शादी के लिए. एन एस्ट्रोलॉजर ज्योतिषी वाज सेंट, एक ज्योतिषी को भेजा गया. हु कंसल्टेड माई पाम, जिसने देखा. यहां पर कंसल्टेड का मतलब होता है देखना. माई पाम माने हथेली. एंड सेड द गर्ल हैज गुड साइंस, गर्ल का ये जो लड़की है उसका गुड साइंस है, लक्षण है. सी विल बिकम एन आइडियल वाइफ, वो एक अच्छी आदर्शवाद पत्नी बनेगी. एंड ऑल द वुमेन हु हैड इट सेड नो वंडर फॉर शी रिजेंबल हर मदर. एंड ऑल द वुमेन, जितनी औरतें थीं हु हैड, जो सुनी इसे और कहीं, नो वंडर, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है. फॉर सी रिजेंबल, रिजेंबल एक जैसा दिखती है. रिजेंबल्स हर मदर, वो अपनी माँ की तरह दिखती है. आई वॉज मैरिड टू ए राजास हाउस व्हेन आई वॉज ए चाइल्ड. आई वॉज क्वाइट फेमिलियर विद द डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रिंस ऑफ द फेरी स्टोरी. देखो, आई वॉज मैरिड टू ए राजास हाउस, मैं एक राजा के घर में शादी हुई थी. When I was a child, जब मैं बच्ची थी, यानी कि उस वक्त में बच्ची होने के नाते विमला को शादी किया गया था, उस वक्त में ये चलन था. I was quite familiar, मैं संपूर्ण भाव से familiar थी, परिचित थी. Familiar का मतलब होता है परिचित रहना. अगर आप ऐसा कहेंगे you are familiar to him, तुम उसके लिए परिचित हो. With the description of the prince of the fairy story, मैं परिचित थी किसमें, व्याख्या करने के लिए. प्रिंस ऑफ द फेरी स्टोरी, मैं बहुत परिचित थी परियों की स्टोरी के बारे में, यानी कि इतनी बच्ची थी कि परियों का स्टोरी सुनने चाहती थी. बट माई हस्बैंड फेस वॉज नॉट ऑफ काइंड, मेरे हस्बैंड का जो फेस था वॉज नॉट ऑफ ए काइंड, इस तरह नहीं था. दैट वंस इमेजिनेशन वुड प्लेस इन फेरी लैंड, उसका जो सोच था एक फेरी लैंड में नहीं जा सकता था. इट वॉज डार्क इवन एज माइन वॉज, उसका भी जो चेहरा था वो डार्क था. इवन जैसे कि मेरा था. द फीलिंग ऑफ श्रिंकिंग व्हिच आई हैड अबाउट माई ओन लैक ऑफ फिजिकल ब्यूटी, मेरे अंदर में भावना सिकुड़ रहा था. व्हेन आई हैड अबाउट माई ओन लैक ऑफ फिजिकल ब्यूटी, मेरे इसमें फिजिकल शारीरिक सुंदरता नहीं होने के नाते मेरा भावना सुकड़ रहा था. वॉज लिप्टेड ए लिटिल, लेकिन हट नहीं रहा था. एट द सम टाइम ए टच ऑफ रिग्रेट वॉज लेफ्ट लिंगरिंग इन माई हार्ट,
समटाइम कभी कभी एक टच पछतावे का, रिग्रेट माने पछतावे का, पछतावे का स्पर्श वॉज लेफ्ट, छुटा हुआ था और रुका हुआ था इन माई हार्ट. आई नो फ्रॉम माई चाइल्डहुड्स एक्सपीरियंस, मैं जानती हूँ मेरे बचपन के एक्सपीरियंस से हाउ डिवोशन इज ब्यूटी इट्सेल्फ. भक्ति, डिवोशन माने भक्ति, भक्ति का मतलब होता है मेडिटेशन, इज ब्यूटी. भक्ति सुंदरता है इट्सेल्फ, खुद इन इट्स इनर एस्पेक्ट, अंदरूनी एस्पेक्ट में, अनुभव में. फिर माई मदर अरेंज्ड द डिफरेंट फ्रूट, जब मेरी माँ अरेंज करती थी, सजाती थी डिफरेंट फ्रूट्स केयरफुली, होशियार से पील्ड, छिलके निकाल कर बाय हर ओन लविंग हैंड्स, अपने बहुत ही प्यारे हाथ से ऑन द वाइट स्टोन प्लेट, और उस वक्त का जो प्लेट था वाइट स्टोन प्लेट था, उसमें सजाती थी एंड जेंटली वेब्ड ए फैन टू डाइव अवे द फ्लाइज व्हाइल माय फादर सेट डाउन टू हिज मील. और वो क्या करती थी, वेब हिलाती थी क्या, फैन, हाथ का पंखा, टू ड्राइव अवे, हुराने के लिए, भगाने के लिए द फ्लाइज, मक्खियों को. व्हाइल माय फादर, जब मेरे बाप बैठते थे टू हिज मील, अपने भोजन पर, हर सर्विस would lose its help in a beauty which passed beyond outer outwards form. देखिए यहाँ पर एक बात है, हर सर्विस, उसका सेवा, सर्विस मैंने सेवा, would lose its help, वो खुद ब खुद खो गया इन ए ब्यूटी, खूबसूरती में, which passed beyond outer outward form. देखो ये जो सादगी था, वो बैठकर जो पंखा हिलाती थी, ये जो खूबसूरती था वो लॉस्ट हो जाता था उसके सादगी में. इवन इन माय इन्फेंसी, इवन इन, ऐसा कि इन माय इन्फेंसी आई वुड फील इट्स इट्स पावर, मैं जब बच्ची थी इसका पावर फील कर सकती थी. इट ट्रांसेंडेड ऑल डिबेट्स, ये मुझे तब्दील करता था, ले जाता था, तब्दील करता था किससे, डिबेट्स, बहस से, डाउट्स, संदेह से, और कैलकुलेशन, गणनात्मक से. इट वॉज प्योर म्यूजिक, ये शुद्ध म्यूजिक यानी के संगीत था जिंदगी का. नेक्स्ट, आई डिस्टिंक्टली रिमेंबर आफ्टर माई मैरिज व्हेन अर्ली इन द मॉर्निंग आई वुड कॉशियसली एंड साइलेंटली गेट अप एंड टेक द डस्ट ऑफ माई हजबैंड्स फिट without waking him, how at such moment I could feel the vermin marked upon my forehead shining out like the morning star. बहुत बड़ा अच्छा चीज़ है. देखिए आई डिस्टिंक्टली, स्पष्ट रूप से रिमेंबर, मुझे याद है, आफ्टर माई मैरिज, मेरे शादी के बाद में, when early in the morning, जब सुबह, अहले सुबह, I would cautiously, सावधानी से, एंड साइलेंटली, आहिस्ते से गेट अप, उड़ती थी एंड टेक द डस्ट, और लेती थी धूल ऑफ माई हजबैंड फिट, मैं अपने हजबैंड के फिट से यानी उसके पैर का धूल लेती थी. आई कुड फील द वर्मीन, उसी वक्त में मैं महसूस करती थी, मैं देखती थी मार्क अपन माई फोरहेड शाइनिंग आउट लाइक द मॉर्निंग स्टार, मेरा जो सिंदूर था, सिंदूर का जो निशान था फोरहेड में यानी के माथे पर, शाइनिंग, चमकता था आउट लाइक द मॉर्निंग स्टार, जिस तरह मॉर्निंग का स्टार चमकता है वो चमकता था. वन डे ही हैपेंड टू अवेक एंड स्माइल एज ही आस्क्ड मी व्हाट इज दैट विमला, व्हाट आर यू डूइंग. वन डे, एक दिन, ही हैपेंड टू अचानक टू वेक अप, वेक वो जाग उठा, एंड स्माइल मुस्कुराया, एज ही आस्क्ड मी, उसने एक्स्ट मी, मुझे पूछा, व्हाट इज दैट, ये क्या है बिमला, व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रही हैं. आई कैन नेवर फॉरगेट द शेम ऑफ बीइंग डिटेक्टेड बाय हिम, मैं ये कभी भूल नहीं सकती, ये बहुत अच्छा, आई कैन नेवर फॉरगेट, मैं कभी नहीं भूल सकती द शेम, शर्म ऑफ बीइंग डिटेक्टेड, जो मालूम पड़ रहा था, डिटेक्टेड मालूम पड़ रहा था, अपियर हो रहा था बाय हिम, उसके जरिए यानी कि उसके शौहर को जो शर्म लग रहा था. ही माइट पॉसिबली हैव थॉट, हो सकता है संभवत हैव थॉट, सोचता होगा दैट आई वॉज
दैट आई वॉज ट्राइंग टू अर्न मेरिट सीक्रेटली. मैं हो सकता हो मैं बहुत ही सीक्रेटली यानी के चुपके से मेरिट पाने के लिए इस तरह करती हूँ, एक नखड़ा करती हूँ, बट नो 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 ऐसा नहीं. दैट हैड नथिंग टू डू विथ मेरिट. इट वॉज माई वोमैन्स हार्ट विच मस्ट वर्शिप इन ऑर्डर टू लव. लेकिन वो कहता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता. दैट हैड नथिंग टू डू विथ मेरिट. ये कोई मेरिट की बात नहीं है, ये कोई मेरिट की बात नहीं है. इट मे इट वॉज माई वोमैन्स हार्ट. ये मेरी औरत का हार्ट है, दिल है. विच मस्ट वर्शिप इन ऑर्डर टू लव. वो प्यार करती है मुझे इसलिए मुझे मेरे पैर को छूती है. माई फादर इन लॉ, मेरा ससुर, हाउस वॉज ओल्ड इन डिग्निटी फ्रॉम द डेज ऑफ बादशाह. मेरे ससुर का घर वॉज ओल्ड, पुराना था डिग्निटी, उसका सम्मान था फ्रॉम द डेज ऑफ द बादशाह, बादशाह के वक्त का. सम ऑफ इट्स मैनर, उसका तौर तरीका, वेयर ऑफ मोगल्स, मोगल का तौर तरीका था, एंड पठान्स, पठान का तौर तरीका था. सम ऑफ इट्स कस्टम्स ऑफ मनु एंड पारशा, पारशार, उसका कुछ कस्टम, उसका कुछ रिवाज मनु और पारसर के तरह था. बट माई हस्बैंड वॉज एब्सोल्युटली मॉडर्न. लेकिन मेरा हस्बैंड जो था एब्सोल्युटली मॉडर्न, वो बिल्कुल जदीद आधुनिक था. ही वॉज द फर्स्ट ऑफ द हाउस टू गो थ्रू अ कॉलेज कोर्स. पहला वो शख्स है जो कॉलेज कोर्स में गया एंड टेक हिज एम ए डिग्री. उसने एम ए डिग्री लिया, एम ए पास किया. हिज एल्डर ब्रदर हैड डाइड यंग ऑफ ड्रिंक एंड हैड लेफ्ट नो चिल्ड्रेन. उसका जो बड़ा भाई था डाइड, मर गया था यंग, जवानी में, ऑफ ड्रिंक, शराब पीते हुए. एंड हैड लेफ्ट नो चिल्ड्रेन, उसने कोई बच्चा छोड़कर नहीं गया था. माई हस्बैंड डिड नॉट ड्रिंक एंड वॉज नॉट गिवन टू डिसिपेशन. वो इस शराब को छूता तक नहीं था. वॉज नॉट गिवन टू डिसिपेशन, इस आदत में वो फंसा हुआ नहीं था. सो फॉरेन टू द फैमिली वॉज दिस एब्सटिनेंस. इस तरह शराब से अलग रहना ये फैमिली के लिए अजूबा था और फॉरेन था. दैट टू मैनी इट हार्डली सीम्स डिसेंट. और बहुत लोगों को लग ये डिसेंट फैमिली का बात नहीं है कि शराब छोड़ दे कोई, लेकिन उसका शौर शराब नहीं पीता था. प्योरिटी, प्योरिटी बिल्कुल साफ. दे इमेजिन, वो लोग सोचते थे, वॉज ओनली बिकमिंग इन दोज ऑन होम फॉर्चून हैड नॉट स्माइल्ड. ये वो हैं जिनके ऊपर में फॉर्चून, फॉर्चून का मतलब होता है किस्मत, स्माइल नहीं किया है यानी कि मुस्कुराया नहीं है. इट इज़ द मून विच हैज रूम फॉर स्टेन. चांद में दाग है, नॉट द स्टार्स. स्टार्स में यानी कि तारों में दाग नहीं है. माई हस्बैंड पेरेंट्स हैड डाइड लॉन्ग एगो. मेरे हस्बैंड के वालिदैन, पिता माता, हैड डाइड, मर गए थे लॉन्ग एगो, बहुत दिन कबल. एंड हिज ओल्ड ग्रैंड मदर वॉज मिस्ट्रेस ऑफ द हाउस. और उनकी ओल्ड ग्रैंड मदर, दादी, वॉज द मिस्ट्रेस ऑफ द हाउस. वो थी मिस्ट्रेस, घर की मुरब्बी. माई हस्बैंड वॉज द एप्पल ऑफ हर आई. मेरा हस्बैंड जो था हर एप्पल ऑफ आई, वो उसके आँखों का तारा था. द ज्वेल्स ऑफ हर बुजम, वो उसके गोद का ज्वेल्स था यानी कि कीमती तोहफा था. ज्वेल्स यहाँ पर होता है गहना. एंड सो ही नेवर मेट विथ मच डिफिकल्टी इन ओवर स्टेपिंग एनी ऑफ द एंशियंट यूजेस. एंड सो इसलिए ही नेवर मेट, वो कभी भी सामना नहीं किया विथ मच डिफिकल्टी यानी कि कोई मुसीबत का, इन ओवर स्टेपिंग एनी ऑफ द एंशियंट यूजेस, कोई भी प्राचीन काल के यूजेस को ओवर स्टेपिंग नहीं किया यानी कि उसको फेंका नहीं, उसको कोई असम्मानित नहीं किया. व्हेन ही ब्रॉट इन मिस गिलीबी, जब वो लाया मिस गिलीबी को टू टीच मी, मुझे पढ़ाने, यानी हाँ बिमला कहती है उसका शौर इतना अच्छा था उसे पढ़ाने के लिए एक मिस को लाया जो उसको पढ़ाएगी. एंड बी माई कंपानियन, और वो मेरी दोस्त बनेगी. इट इज द फर्स्ट चैप्टर और पार्ट और चैप्टर वन. देन वी विल एंटर टू द अदर पार्ट. आई होप दैट यू विल सी, यू विल लिसन टू दिस वीडियो केयरफुली हाउ रविंद्रनाथ टैगोर हैज क्रिएटेड द सोशल ट्रेडिशन एंड द प्रिजुडिस इन सोसाइटी.
ओके आई होप दैट यू अंडरस्टैंड इट, समझे होंगे। एंड वर्ड बाय वर्ड मैं जल्द जल्द कहा हूँ, किस लिए, ये किताब बहुत बड़ा है, इसमें 12 चैप्टर है। अभी तो मैं एक चैप्टर तक जा रहा हूँ, उसके बाद में दूसरे चैप्टर में दाखिल होगा। जल्द से जल्द आप सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे वीडियो को देखते रहिए। थैंक्स अ लॉट।